हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम प्लांट एनाटॉमी के अंदर जो डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में, वो जो नया टॉपिक है वो है लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स क्या होती है, इनको लेंटी सेल्स को हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं वात्र। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कस का वो रहेगा लेंटी सेल्स या वात्रंध्र। क्या होते हैं वात्रंध्र, लेंटी सेल्स क्या होते हैं, पेरिडर्म यानी वात्रंध्र पेरिडर्म का वह सीमित छोटा भाग है, यानी पेरिडर्म का वह छोटा सा हिस्सा है जहां सुबेरिन रहित या सुबेरिन युक्त कोशिकाएं। सुबेरिन यानी सुबेरिन एक तरह का रासायनिक पदार्थ है जो कि पादप की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर डिपोजिट होता है। यह सुबेरिन रासायनिक पदार्थ क्या, इसकी क्या विशेषता है कि जब ये कोशिका भित्ति पर डिपोजिट हो जाता है रासायनिक पदार्थ, तो इस रासायनिक पदार्थ के कारण कोशिका भित्ति है वो टोटली अपारगम्य हो जाती है और परिणामस्वरूप कोशिका मृत हो जाती है। तो पेरिडर्म का वह भाग चाहे सुबेरिन युक्त हो या सुबेरिन रहित हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरिडर्म के अंदर जो कॉर्क सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन। तो ये सुबेरिन युक्त भी हो सकता है और सुबेरिन विहीन भी हो सकता है, लेकिन क्या है वह छोटा सा भाग जो सुबेरिन रहित या सुबेरिन युक्त होता है, कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित, यानी उस स्थान पर चाहे सुबेरिन हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कोशिकाएं लूजली अरेंज्ड होती है। इन विशेष क्षेत्रों को कहा जाता है वात्रंध्र या लेंटी सेल्स। वात्रंध्र परिचर्म यानी पेरिडर्म में कुछ उभरे हुए, यानी ये कैसे दिखाई देते हैं, तो पेरिडर्म के ऊपर ये कुछ उभार से जैसे दाने से दिखाई देते हैं और संख्या इनकी एक दो नहीं अनेक संख्या में होते हैं। वात्रंध्र की कोशिकाएं बाह्य वायुमंडल से, ये जो उभार से दिखाई देते हैं, ये जो तने के अंदर जड़ के अंदर जो दिखाई देते हैं उभार से छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं, ये दाने से माइक्रोस्कोप के अंदर वात्रंध्र, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसका सेक्शन काट के इस दाने वाले जगह से सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें लेंटी सेल्स दिखाई देते हैं। और इस वात्रंध्र की जो कोशिकाएँ हैं ये कोशिकाएं बाह्य वायुमंडल यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का लिंक वात्रंध्र के माध्यम से किसे होता है, जो कोशिका ये पादप के जो आंतरिक टिश्यू है उस आंतरिक टिश्यू से ये कोशिकाओं को जोड़ता है। इस तरह से ये जो वात्रंध्र है ये लेंटी सेल्स है, ये एक तरह से पादपों के अंदर गैसीय विनिमय गैस एक्सचेंज का काम करता है, यानी इस वात्रंध्र का जो प्रमुख कार्य है वो है गैसेज एक्सचेंज। यानी जो स्टोमेटा है उस स्टोमेटा के अंदर जो स्टोमेटा दो तरह के ट्रांसपिरेशन और गैस एक्सचेंज का कार्य करता है, तो यहाँ पर यह एक लेंटी सेल्स भी यहाँ पर मुख्य कार्य गैस एक्सचेंज का करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन के अंदर भी कुछ परसेंट यानी 1% के आसपास जो ट्रांसपायरेशन होता है वो लेंटी सेल्स के माध्यम से ही होता है। तो कहने का मतलब है कि लेंटी सेल्स दोनों तरह के कार्य करती है, स्टोमेटा के समान ही दोनों तरह के कार्य करती है, ये ट्रांसपायरेशन में का भी कार्य करती है और गैसेज विनिमय का भी कार्य करती है। अब जो हम देखते हैं कि लेंटी सेल्स की संरचना क्या होती है, लेंटी सेल्स की संरचना समझने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये है लेंटी सेल का डायग्राम, ये डेवलपिंग स्टेज में इनिशियल स्टेज के अंदर, और ये है कंप्लीट। ये इस तरह का लेंटी सेल्स का डायग्राम, ये लेंटी सेल्स दिखाई, ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं हैं कॉर्क की यानी फ्लेम सेल्स हैं, और इन फ्लेम सेल्स के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं ये वाली कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं हैलोजन की, और नीचे वाली ये जो कोशिकाएं हैं मृदू तक ये है फैलोडर्म। तो इस तरह से ये इस तरह की संरचना दिखाई देती है, यानी ये जो उभार से एपिडर्मिस के ऊपर उभार सा दिखाई देता है, दाने से दिखाई देती है, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इस तरह की खुली संरचनाएं दिखाई देती है जिनको हम लेंटी सेल्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, यानी इनिशियल स्टेज के अंदर ये स्टोमेटा ही होता है लेकिन बाद में चलकर ये लेंटी सेल में बदल जाता है। अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें
तो ये संरचना में किस तरह का होगा स्ट्रक्चर? वात रंध्र जड़ तना और जड़ एवं तनों पर पाई जाने वाली सामान्य संरचना है जो अपने बड़े आकार एवं कोशिकाओं की अधिक संख्या के कारण, यानी ये जड़ तने पर पाई जाती है, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन ये परिचर्म यानी पेरिडर्म की सतह के ऊपर किसके कारण, इसकी कोशिकाओं के अंदर, इस लेंटी सेल्स के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती, संख्या अधिक हो जाती है और उन कोशिकाओं का आकार भी बड़ा होता है, जिसके कारण क्या है, यह लेंटी सेल्स पेरिडर्म के ऊपर उभरी हुई दिखाई देती है, और उभरी हुई को हम क्या कह रहे हैं कि दाने जैसी संरचना दिखाई देती है, इसलिए उठी हुई दिखाई देती है। और वात रंध्र के अंदर जो कोशिकाएं हैं संरचना के रूप में देखेंगे तो अभी हमने देखा है कि ये कोशिकाएं कंपैक्टली अरेंज नहीं होती, एक दूसरे से संघन रूप से नहीं होती, बल्कि लूजली अरेंज होती है, यानी एक दूसरे से दूर दूर होती हैं और उनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश भी बड़े बड़े होते हैं। तो वात रंध्र में उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश है वो बाह्य वातावरण से कॉर्टेक्स तक बनाए रखने में सहायक, यानी जो ये इन कोशिकाओं के बीच में जो अंतर कोशिकीय अवकाश हैं ये किससे कनेक्ट कर देती हैं, कॉर्टेक्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर देती हैं, कौन, इंटरसेलुलर स्पेस। विशेष रूप से ये जब स्टोमेटा बंद हो जाता है उस समय एयर लेंटी सेल के माध्यम से तने में प्रवेश करती है और गैसीय एक्सचेंज का कार्य करती है, तो इससे सिद्ध होता है कि लेंटी सेल्स हैं वो गैसीय आदान प्रदान का कार्य करती हैं, और ये लेंटी सेल्स एक्सपेरिमेंटल द्वारा प्रूव हो चुका है कि ये लेंटी सेल्स क्या काम करती हैं, ये ट्रांसपायरेशन का काम भी करती हैं। तो वात रंध्र के यूजली अरेंज कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, ये जो कोशिकाएं देखी थी हमने इस डायग्राम के अंदर, दोबारा देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो कोशिकाएं देखी थी, ये कोशिकाएं, ये जो लूजली ये हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बड़े बड़े हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं कंप्लीमेंट्री सेल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंटी सेल्स, यानी पादपों के वो कौन कौन से अंग हैं जिनके ऊपर ये वात रंध्र या लेंटी सेल्स पाए जाते हैं। तो पादपों के स्टेम रूट्स यानी जड़ों के ऊपर, और यंग ब्रांचेज या अन्य स्मूथ जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ये गहरे उभरे हुए धब्बों के रूप में पाए जाते हैं, यानी जो गहरे रफ धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ये लीफ पर सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं और लेंटी सेल्स, क्योंकि लीफ पर ऑलरेडी स्टोमेटा होते हैं जो कि वो सारा काम करते हैं जो कि लेंटी सेल्स करते हैं। तो ये कभी और कभी कभी ये फलों के ऊपर, जैसे सेब और नाशपाती है, उनके ऊपर भी छोटे छोटे आकार के लेंटी सेल्स पाए जाते हैं। वात रंध्र अधिकतर उन सभी पादपों में पाए जाते हैं जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी उन सभी पादपों में होती है। अगर हम अंग की बात करें, उस अंग के बाद में हम बात करेंगे कि कौन से पादप हैं जिनके ऊपर ये पाए जाते हैं, तो उन सभी पादपों में पाए जाते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे हेलोजाइलोन, जो एक हेलोजाइलोन क्या है, एक हेलोफाइट प्लांट है यानी लवणोद्भिद पादप है, टेक्टोना ग्रैंडिस है ना, और विटिस, इनके अंदर ये नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो आरोही प्लांट है, उन आरोही प्लांट को आरोहण करने वाला जो तना है उस तने के ऊपर परिचर्म पेरिडर्म तो होती है लेकिन वात रंध्र नहीं होते हैं। तो पादपों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर आप देखें तो सामान्य रूप से सभी के अंदर है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनके ऊपर सेकेंडरी ग्रोथ होने के बावजूद भी लेंटी सेल्स नहीं होती है। स्तंभ में यानी स्टेम के ऊपर प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी संख्या में लेंटी सेल्स होंगे, ये हर स्पीसीज के अंदर अलग अलग होती है, और इनकी संख्या पादपों की उम्र के हिसाब से और पोषण के हिसाब से भी बदल जाती है। कुछ जातियों में स्टोमेटा या स्टोमेटा के ग्रुप के नीचे वात रंध्र पाए जाते हैं। इसके अलावा रूट्स के अंदर वात रंध्र यानी लेंटी सेल्स हैं वो
पेयर्स में पाए जाते हैं, और ए पेयर्स डाइकोट्स के अंदर ही अगर ये पेयर दिखें तो ये किसमें पाए जाते हैं, वर्टिकल रोज के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और अगर ओल्ड एज के अंदर आप रूट्स में देखेंगे तो इनका विन्यास यानी जो इनका अरेंजमेंट है वो कैसा हो जाता है, एनिमित हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। इसके बाद डेवलपमेंट कैसे होता है यानी इनका विकास कैसे होता है, तो लेंटिसेल्स पेरिड्रम जब बनती है तो पेरिड्रम बनने के साथ साथ या पेरिड्रम बनने से पहले ही लेंटिसेल का विकास चालू हो जाता है। विभिन्न जातियों में लेंटिसेल्स के बनने के समय में भिन्नता होती है, यानी ऐसा नहीं कि सब में एक जैसा ही है, सब में अलग अलग होती है। यह स्तंभ पर बाह्य त्वचा पर निर्भर करती है, बाह्य त्वचा की कंटिन्यूटी पर निर्भर करती है। अधिकांश पादपों के अंगों में प्रथम जो ग्रोविंग सीजन होता है और कभी कभी पादप या अंग पूर्ण दीर्घीकरण या पूर्ण होने से पहले ही यानी पहले वृद्धि का पहला जो ग्रोविंग सीजन है उसी में लेंटिसेल्स बनने लग जाते हैं। और कई बार तो देखा है कि एक साल पहले, एक साल का पादप हुआ ही नहीं है, उस एक साल से पहले ही उस पादप के ऊपर लेंटिसेल्स का बनना चालू हो जाता है। यानी लेंटिसेल्स बनने के लिए जरूरी नहीं है कि पादप बहुत मेच्योर हो, वृद्ध हो, ऐसा नहीं है, एक साल से पहले भी पादपों के अंदर लेंटिसेल्स बनना चालू हो जाती है। बनती कैसे है, सर्वप्रथम जो भी तने के ऊपर या के ऊपर जो स्टोमेटा है उन स्टोमेटा की सब स्टोमेटल कैविटीज के अंदर जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जो कि क्लोरोफिल युक्त हैं और लूजली अरेंज्ड हैं, इन कोशिकाओं के अंदर जो भी रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं वो रासायनिक पदार्थ साइटोप्लाज्म में घुल जाते हैं और ये कोशिकाएं किसमें बदल जाती हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स में बदल जाती हैं। और अब ये कोशिकाएं पेरिक्लाइनल यानी परिणत रूप से विभाजन करती हैं। और कब तक विभाजन करती हैं, जब तक पादप में फैलोजन नहीं बन जाएगी, यानी जब पादप में फैलोजन बन जाएगी तब तो ये फैलोजन से बनने चालू होगा। तो कहने का मतलब है कि लेंटिसेल्स फैलोजन से भी बन सकता है या फैलोजन बनने से पहले भी लेंटिसेल्स का निर्माण हो सकता है जो कि सब स्टोमेटल कैविटी की कोशिकाओं से होता है। लेकिन रूट्स के अंदर क्या होता है कि वहां स्टोमेटा नहीं होते हैं रूट्स के अंदर, तो वहां पर लेंटिसेल्स का निर्माण हमेशा फैलोजन से ही होता है, जबकि तने के अंदर लेंटिसेल्स फैलोजन से भी बन सकती हैं और सब स्टोमेटल कैविटीज की जो मृदु तक कोशिकाएं हैं उनसे भी लेंटिसेल्स का निर्माण हो सकता है, यानी फैलोजन बनने से पहले ही लेंटिसेल्स बनना चालू हो जाती हैं। और ये लेंटिसेल्स की कोशिकाएं चाहे वो फैलोजन से बनी हुई हो चाहे वो किससे बनी हुई हो, सब स्टोमेटल कैविटीज की कोशिकाओं से बनी हुई है, ये एक दूसरे से लूजली अरेंज होती है, जिनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। इन कोशिकाओं की वृद्धि के कारण यानी ये जो नई नई कोशिकाएं बन रही हैं इनकी वृद्धि के कारण जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस है वो फट जाती है, टूट जाती है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं ये बाहर हवा में के या एक्सटर्नल एनवायरमेंट के संपर्क में आ जाती हैं और यह भाग तने या रूट के अंदर उभरा हुआ दिखाई देता है जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। खुली हुई कोशिकाएं मृत भी हो सकती हैं, जीवित भी हो सकती है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं ये खुली हुई है ये मृत भी हो सकती है जीवित भी हो सकती हैं। इनका इनके स्थान के लिए फैलोजन से लगातार कोशिकाएं बनती रहती हैं और ये जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं ये सुबेरेनाइज, अगर इनके सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है तो ये मृत हो जाती हैं, लेकिन कुछ पादपों में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है तो ये नॉन सुबेरेनाइज्ड रहती हैं। ये कोशिकाएं गोल पतली भित्ति वाली या अगर सुबेरेनाइज है तो मोटी भित्ति वाली होती है। कुछ जातियों के अंदर वातरंध्रों के अंदर फैलोजन की कोशिकाओं के अतिरिक्त
यानी अभी हम बात कर रहे हैं कि फैलोजन या सब स्टोमेटल कैविटी से जो कोशिकाएं बनी हैं वो कैसी कोशिकाएं हैं, कम्प्लीमेंट्री सेल्स नाम दिया। इन कम्प्लीमेंट्री सेल्स के अलावा भी कुछ लेयर्स कोशिकाओं की पाई जाती है जिनको कहा जाता है क्लोजिंग लेयर या समापक कोशिकाएं हिंदी में। तो क्लोजिंग लेयर्स याद रखें, ये परत सघन रूप से यानी कम्प्लीमेंट्री सेल्स की कोशिकाएं तो लूजली अरेंज्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो क्लोजिंग लेयर्स हैं ये सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। और क्लोजिंग लेयर्स और कम्प्लीमेंट, अब दो तरह की, जिनमें क्लोजिंग लेयर्स बनती हैं तो उन वहां पर दो तरह की कोशिकाएं होंगी, एक कम्प्लीमेंट्री सेल्स होगी और दूसरी क्लोजिंग लेयर्स होगी। तो क्लोजिंग लेयर्स और कम्प्लीमेंट्री सेल्स की एकांतर लेयर्स बन जाती हैं शीतकाल में, मौसम के अंदर यानी विंटर सीजन के अंदर जो वातरंध्र है यानी लेंटी सेल्स है उसकी क्लोजिंग लेयर्स बनने के कारण, समापक बनने के कारण ये जो वातरंध्र है ये बंद हो जाता है, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है ये वातरंध्र या लेंटी सेल्स खुल जाते हैं। तो इस तरह से एकांतर क्रम में क्लोजिंग लेयर और कॉम्प्लीमेंट्री लेयर्स पाई जाती हैं। दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री उत्तकों को इसके अंदर पहचाना गया है पादपों के अंदर। वुड्स ने 1955 के अंदर वुड्स ने वातरंध्र में तीन प्रकार की किस्में पाई, यानी वातरंध्र है वो तीन प्रकार से पाया जाता है। पहली मैग्नोलिया और मेलस जो प्लांट है उनके अंदर जो कम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं उनमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और ये कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, इनके अंदर अंतर कोशी के अवकाश छोटे होते हैं और इनमें वार्षिक वलय पाई जाती है। दूसरी किस्म है टीलिया कर्कस, ये जो पादपों के नाम है, इनमें जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं और परंतु इनमें क्या होता है, सुवेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है। तीसरी जो वैरायटी है वो है बेटुला और प्रोनस की, जिसमें पूरक कोशिकाएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स लेयर्स में व्यवस्थित होती हैं और नॉन सुवेराइज्ड होती हैं और एकांतर सुब क्रम में पाई जाती हैं, यानी नॉन सुबेराइज होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्लोजिंग लेयर्स भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग लेयर्स और कम्प्लीमेंट्री लेयर्स एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ लेंटिसेल्स, जिन पौधों में अतिरिक्त भीतरी पेरिड्रम अपेक्षाकृत जल्दी बन जाती है, वातरंध्र भी छाल के बाहरी उत्तकों के साथ जल्दी ही जड़ जाते हैं, यानी जैसे जैसे पेरिड्रम पादप से अलग होती जाती है उसी के साथ साथ वातरंध्र या लेंटिसेल्स भी अलग होता जाता है, पादप से जड़ जाता है, नई पेरिड्रम बनती है और नए वातरंध्र लेंटिसेल्स बन जाती है। यदि प्रथम बनी हुई पेरिडर्म लंबे समय तक पादप पर रहती है तो उसमें लेंटी सेल्स भी लंबे समय तक विद्यमान या क्रियाशील रहते हैं। कुछ पादपों में द्वितीयक वृद्धि के कारण लेंटी सेल्स अनुप्रस्थ रूप से दीर्घित हो जाते हैं, यानी लेटरल साइड के अंदर हॉरिजॉन्टल साइड के अंदर ये बाहर निकल आते हैं, जैसे अकेशिया के अंदर है, जैसे इमली के अंदर है, अकेशिया मतलब बबूल के अंदर, जैसे बेटुला के स्टेम के अंदर वायु आयु बढ़ती है, उस आयु बढ़ने के साथ साथ पादप अलग नहीं होता है लेकिन वो क्या कर जाता है, लिटरली लंबा हो जाता है। तो इस तरह से पादपों के अंदर ये एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल से बनने का, देखिए ये स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा के नीचे ये जो सब स्टोमेटल कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के विभाजन से या फिर ये जो फैलोजन सेल्स है, ये जो फैलोजन है उनके विभाजन से ये लेंटिसेल्स बनती हैं, और ये लेंटिसेल का पूर्ण डायग्राम हो गया। थैंक यू। तो ये आपका लेंटिसेल्स जो नया टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया।
थैंक यू।